हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं सोनम सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग में। और ये है हमारी वानी। और वानी क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? चलिए बताओ ना, क्या कर रही हो? आओ, लग गई, छोड़ दे, मैं भी लग गई मम्मा को, मैं तो लग गई बेबी, प्लीज लीव मी वानी, वानी प्लीज, अरे प्लीज, हट जाओ, लग गई ना मम्मा को। तो अभी ये देख के मस्ती कर रही है, ऐसे ही मस्ती करती है। तो गाइस आज हम बताने, तो आज गाइस वानी के पापा वानी के लिए लाए हैं गिफ्ट। क्या लाए हैं गिफ्ट हम आपको दिखाते हैं। गाइस ये देखिए, वानी के पापा वानी के लिए क्या लेकर के आए हैं। आप गाइस वानी के पापा वानी के लिए लाए हैं टेबल, ये पढ़ाई वाली टेबल लेकर के आए हैं। इधर देखिए वानी, तो ये देखिए गाइस वानी के लिए। वानी आप हैप्पी हो? इधर बताइए, इधर तो देखिए। हैप्पी, कौन लाया ये टेबल? पापा। पापा, तो वानी के लिए उसके पापा लेकर आए हैं पढ़ाई वाली टेबल। इससे वानी के स्कूल भी खुलने वाले हैं अभी। तो गाइस अभी इसके स्कूल भी खुलने वाले हैं और इसकी जरूरत भी रहती है, इस पर वानी आराम से बैठकर लिख सकती है, पढ़ सकती है बेड पर ही। तो मैं लेकर आई थी चेयर वाली भी, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आई। फिर उसके पापा ये वाली लेकर के आए हैं, टेबल टेबल इसको बोलते हैं, बैड टेबल। तो भी इस पर अच्छे से लिख भी सकती है वानी बैठ के, यहाँ पर भी लिख लिख सकती है और अम्मा के कमरे में भी लिख सकती है, पापा बड़े पापा के कमरे में भी जाकर आराम से बैठ कर लिख सकती है। इसीलिए उसके पापा ये लेकर के आए हैं वानी के लिए। गाइस अभी हो रही है शाम, शाम को बज रहा है 6, तो इवनिंग टाइम है, वानी को कुछ खाना है। थोड़ी सी भूख लगती है ना जो शाम में, वो अभी वानी को लगी हुई है। तो वानी को खाना है ब्रेड पिज़्ज़ा। वानी कह रही मम्मा मेरे लिए ब्रेड पिज़्ज़ा बना दीजिए, तभी मैं उसके लिए बना रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं इसके लिए बना रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा। तो ये देखिए इसमें बनना है ब्रेड पिज़्ज़ा, तवे पर बनाते हैं हम। तभी हमारी चाय भी बन चुकी है, चाय तो देखते हैं बन गया कि नहीं। ब्रेड गाइस देख सकते हैं आप, ये ब्रेड पिज़्ज़ा बन गया है। और हमारी वानी वेजिटेबल नहीं खाती है, तो इसलिए मैंने इसमें वेजिटेबल नहीं डाला है, केवल मेयोनीज और ये चीज़ वगैरह, और क्या कहते हैं मेल्ट हो गई है चीज़, और ये टोमेटो सॉस, क्योंकि अभी वो तीखा तो खा नहीं पाती है, इसलिए मैंने टोमेटो सॉस, मेयोनीज, चीज़ और हल्का सा मैगी मसाला ऊपर से और नमक डाला हुआ है। ऐसे ही बनाया है, हम बड़ों को खाना होता है तो मसाला वेजिटेबल्स मतलब जैसे बनता है पिज़्ज़ा वैसे ही बनाते हैं, लेकिन वानी को खाना इसलिए ऐसे ही सादा सिंपल सा बनाया है। तो चलिए वानी को खिला देते हैं और मैं ये चाय पी लेती हूँ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बने रही हमारे ब्लॉग में। तो गाइस ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं बबल, खुला बेटू बबल। और ये मौसम देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है, रेड रेड। अभी बज रहा है 7:15 और अभी उजाला ही है। लाइए मैं फुलाऊं, आप पकड़िए मैं फुलाऊं, ठीक है? निकला था, लाइए मैं फुलाऊं। नहीं निकल रहा है, निकल ही नहीं रहा है। इसमें दिखाइए, छोड़िए इसको, पहले मुझे दीजिए। नहीं निकल रहा बेटा,
पता नहीं मेरे को, मौसम देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया और ये बच्चे खेल रहे हैं। बबल हाय करो बानी, इतना खुश हो, वानी की फ्रेंड आ जाती है तो वानी इतना खुश हो जाती है, कुछ पूछिए नहीं। तो गाइस कैसा लगा वानी का टेबल बताइएगा कमेंट्स में, और मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। कैसा लगा आज का हमारा ब्लॉग, अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।